अभी कुछ दिन पहले अजय देवगन की गोलमाल अगेन का ट्रेलर और टाइटल ट्रैक लॉन्च हुआ था, जिसे ऑडियंस ने बेहद पसंद किया। भूतिया कहानी के साथ गुदगुदाने को तैयार अजय देवगन पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। अजय का नाम पनामा पेपर्स कांड में शामिल हुआ है। अजय पर आरोप है कि 2013 में ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड की कंपनी मैरी लेबॉन एंटरटेनमेंट लिमिटेड के पूरे शेयर उन्होंने खरीद लिए थे। इस कंपनी के शेयर होल्डर के मालिक लंदन के हसन एन सयानी थे। हालांकि अजय ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा विदेशी कंपनियों में हिंदी मूवीज़ के अधिकार खरीदने के लिए ऐसा किया था। कहा जा रहा है कि अजय देवगन ने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है और जाते जाते उन्होंने दो विदेशी कंपनियों को इसका नॉमिनी बनाया है। इसके चलते सरकार का शक POIM यानी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पर है। POIM कंपनी के रेसिडेंस से जुड़ा हुआ है। ये कोई पहली बार नहीं जब किसी बॉलीवुड सेलेब का नाम पनामा पेपर्स केस से जुड़ा है और सामने आया है। कुछ साल पहले अमिताभ बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय का नाम भी इस केस में सामने आया था। हालांकि इन दोनों ने IB को जवाब देकर सफाई में कहा था कि टैक्स चोरी और धोखाधड़ी में उनका कोई हाथ नहीं है। बता दें कि पिछले साल टैक्स हेवन कहे जाने वाले पनामा की एक लो फॉर्म मॉस्को फोंसिका का 40 साल का डाटा लीक हो गया था। पनामा पेपर्स कांड में सबसे बड़ा शिकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ हुए। इससे इस मामले में कोर्ट के दोषी माना गया था, जिसके बाद उनकी कुर्सी भी चली गई थी। और भी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर बड़ी खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले।